ये पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की व्याख्यान श्रृंखला के क्रम में आज हम सभी को परम शक्ति पीठ एवं वात्सल्य ग्राम की संस्थापक पूज्य दीदी माँ साध्वी रतम्रा जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। समाज में दीदी माँ के नाम से ख्याति प्राप्त पूज्य साध्वी रतम्रा जी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की उपदेशक और समाज सेवी। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की इस श्रृंखला में पूज्य दीदी माँ साध्वी रतम्रा जी से मार्गदर्शन हेतु हम प्रार्थना करते हैं। सादर नमस्कार करती हूँ। बहुत विचित्र परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ही समाज के धैर्य की परीक्षा होती है। इन विपरीत परिस्थितियों में जबकि हमारा पूरा देश एक विचित्र महामारी से जूझ रहा है, ये वो समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। इस देश ने तपश्चर्या, तप और त्याग की आग क्या होती है उसमें से गुजरना जाना है। उस तपश तेज की आग में से गुजर कर एक कुंदन की तरह चमक कैसे धारण की जाती है, ये मेरे पुरखों ने इसका अनुभव लिया है और हमें वो हमारे धर्म ग्रंथों में वांग्मय रूप में वो प्राप्त है। सच है, विपत्ति जब आती है तो कायर ही को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पर एक पल एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं। खम ठोंक ठेलता है जब नर, तो पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य के साहस के सामने, मनुष्य के संकल्प के सामने, उसकी दृढ़ शक्ति के सामने बड़े बड़े पर्वत तक टिक नहीं पाते। आपने देखा, नदी का प्रवाह जब प्रवाहित होता है तो वो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी रेत में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए इस विकट परिस्थिति में जो है वो असहाय होने से समाधान नहीं होगा, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा। मैं विचार कर रही थी प्रातःकालीन, तो मुझे एक पौराणिक कथानक स्मरण हो गया। महाभारत का समय था, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो श्री हरि भगवान श्री कृष्ण एक टिटिहरी की करुण क्रंदन को सुन रहे हैं। कुररी, उसको कुररी भी कहा जाता है, वो करुण क्रंदन है, उसमें विलाप है, उसमें व्याकुलता है, उसमें कुछ प्रार्थना है। वो प्राणी जो है, पंछी जो है, भगवान के रथ के चक्र लगा रहा है और चीत्कार कर रहा है। श्री कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ी, उसने अपने मौन में ही प्रार्थना कर ली कि प्रभु, ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ योद्धा से योद्धाओं की तलवारें एक दूसरे से टकराएंगी, पर मेरी तो छोटी सी दुनिया है। दुनिया में कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अपनों के साथ कुछ हो जाए तो सारी दुनिया बदल जाती है, तो मेरे इन अंडों का क्या होगा। भगवान थोड़ी सी देर उसको देख के मुस्कुराए और कुरुक्षेत्र के मैदान की अन्य व्यवस्थाओं को देखने में लग गए। वो मूक था, वाणी नहीं थी पर वाणी थी, दर्द था और वो करुण क्रंदन पुकार बन गया। जब तो श्री हरि ने उस पुकार को सुना था और अर्जुन से कहा, अर्जुन देख रहे हो सामने वो जो हाथी है, उसके घंटे की जंजीर पर बाण चलाओ। वो घंटा जंजीर से अलग होकर नीचे आके धप से गिर गया। 18 दिन वो महायुद्ध चलता रहा, महाकाल वहां मंडराता रहा, मृत्यु तांडव नृत्य करती रही। 18 दिनों के बाद जब शवों से पटी थी वो सारी धरती, और भगवान उसी तरह युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करते करते उस जगह पहुंचे और अर्जुन से कहा, इस घंटे को हटा दो। और जैसे ही वो घंटे को हटाया गया तो उसके नीचे से टिटिहरी के 4 बच्चे चू चू करते जीवित मृत्यु के उस महासागर में जीवन का गीत गाते हुए प्रकट हो गए थे। मुझे स्मरण आ रहा था कि जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने उस टिटिहरी से कहा था कि 3 हफ्ते के लिए बंद हो जाओ,
अपना चोगा एकत्रित कर लो और लॉकडाउन हो जाओ, अपनी समस्त शक्तियों को समाहित करो और भरोसा रखो। हुआ था ना समाधान, होता है ना समाधान। समाधान होता है जब मनुष्य को अपने पर भरोसा होता है, समाधान होता है जब मनुष्य अपने आराध्य और अपने इष्ट पर भरोसा करता है। इसलिए विश्वास के साथ हम इस महामारी से पार जाएंगे। मैं समस्त भारतवासियों को निवेदन करना चाहती हूँ कि दोषारोपण से क्या होगा, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। राज्य अपनी व्यवस्थाओं में लगा है, सन्नद्ध है वो व्यवस्था करने में, लेकिन राज्य ही काम करेगा क्या? राष्ट्र भी तो काम करेगा। और राष्ट्र क्या है? अगर राज्य शासन प्रशासन है तो राष्ट्र है इस देश का निवासी। वो जब अपने आत्मबल को, आत्म संयम को और आत्म संकल्प को जागृत करता है तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी अपनी औकात इतने छोटे चींटे जैसी उनकी रह जाती हैं। तो मैं समझती हूँ जब ये सर पे काल मंडरा रहा है तो मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है। इसमें जिंदा रहना और जीवित रखने का संकल्प ही हमें इससे उद्धार करेगा। मैं निवेदन कर रही थी कि बहुत बार मैं देखती हूँ कि एक दूसरे पे दोषारोपण बहुत हो रहे हैं। हम पता नहीं हम किस तरह के लोग हैं। देखिए, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं तू भी नहीं, है ना? इंसान है हम, खुदा मैं भी नहीं तू भी नहीं, और एक दूसरे को इल्जाम देते हैं हम, पर अपने अंदर झांकता मैं भी नहीं तू भी नहीं। बहुत सारी गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दूरियां, किंतु फितरत का बुरा मैं भी नहीं तू भी नहीं। हम इंसान हैं, और इन सारी परिस्थितियों के बीच में अगर हमारी शक्ति मात्र नकारात्मक चिंतन में लग जाएगी तो कर्म करने की सामर्थ्य और नया कुछ सोचने की सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन विपरीत परिस्थितियों में भारत जैसा देश, जो आध्यात्मिक देश है, जो सारे संसार को मार्गदर्शन देता रहा है, उसका अपने आप में बिखरना अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पत्थर जो चोट खाके टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। ये परिस्थितियों की चोटों को झेलते हुए बिखरने नहीं देना स्वयं को, अपने अंदर को निखारना है। इसलिए इन सारी परिस्थितियों से बाहर जाने का एकमात्र मार्ग है। हम एक विषाणु से पराजित नहीं हो सकते, हमारा संकल्प इतना छोटा नहीं कि एक अज्ञात विषाणु से पराजित हो जाएगा। बस यही वो संकल्प, श्री हरि की कृपा के ऊपर भरोसा, अपने ऊपर भरोसा, और सबसे बड़ी बात है इस समय की नजाकत को समझना। मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि सिख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुरता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य अवाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसीलिए संकल्पवान बनिए, मन को जीतिए, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों के शिकार मत बनिए। इस देश में जो अफवाहें फैलाते हैं उनको देशद्रोही मानिए, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी सीना तान के अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध होते हैं वो है देश माता के सच्चे पुजारी। मैं राष्ट्र के सभी बंधु भगनियों से ये निवेदन करती हुई कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति हमारी भारी संवेदनशीलता, हमारा चित्त भारी व्याकुलता से भरा है, लेकिन इन चिताओं को लंबे समय तक हम नहीं जलने देंगे। यही संकल्प मृत्यु को पराजित करेगा। इसलिए इस विपरीत परिस्थितियों में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करिए। बहुत दुखी हैं हम, लेकिन विवेक से भी तो काम लेना होगा, सुख दुख की झूठी चाह से मुक्त होना होगा। इसीलिए उस आत्मज्ञान को जागृत करके और जहाँ जो हो सकता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मोहल्ले के लिए, गांव के लिए चिंतन कीजिए, कुछ कार्य कीजिए। बाहर दूर क्या हो रहा है वहाँ हम समाधान नहीं बन पाएंगे,
वहां जाके कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर अपने आप पर संयम करके हमने कछुए की तरह हाथ पैर समेट लिए तो निश्चित रूप से ये जो संयम है ये हमें इस महामारी से बाहर ले आएगा। सबके चित्त में शांति हो और शरीर निरामय रहे, सब निरोगी रहे, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।